मुंगेली जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भोरे आज एक दिवसीय लोरमी के दौरे पर रहे। वहीं मुंगेली के कलेक्टर के द्वारा लोरमी के 50 बिस्तर अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर कुछ खामियां भी पाई गई और अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार भी लगाई। वहीं इस दौरान कलेक्टर ने 1,30,00,000 रुपए के हुए घोटाले एनआरएचएम जीवनदीप समिति और अनटाइड फंड के ऊपर जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस दौरान 4 बच्चों को श्रवण यंत्र उपकरण दिए गए हैं और साथ ही जल्द ही सोनोग्राफी और डेंटिस्ट की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया है। लोरमी से संदीप सिंह ठाकुर।